गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी, क्लासें रेगुलर ले रहे होंगे और उसके बाद में उस पर मेहनत भी कर रहे होंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपने डाउट्स को खुद के बेस पे क्लियर करने की और डाउट्स पूछने के लिए भी आप कोशिश कर रहे होंगे। जो कर रहे हैं उनको जवाब मिल भी रहा है बच्चों। ऑर्गेनिक का ये हमारा रिएक्शन वाला लास्ट चैप्टर है, इसके बाद में बाकी जो रिएक्शंस वाले चैप्टर्स हैं वो फिनिश हो जाएंगे आपके। लगभग बहुत बड़ा पोर्शन ऑर्गेनिक का हम लोग कर चुके हैं जिनमें ज़्यादातर टाइम लगता है, ठीक है। इसके बाद में टाइम हमारे पास में पर चैप्टर टाइम कम लगता है, उतनी क्लासेस नहीं होती, कम क्लासेस होती हैं बच्चों। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग नए चैप्टर से, नाम है नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह। और बच्चों नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो बात करें हम लोग अमाइन की, जिसको हम लोग 1° अमाइन कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आप जानते हो इसको 2° अमाइन कहते हैं हम लोग, 2° अमाइन कहते हैं इसको हम लोग। इसके अलावा बच्चों हम लोग जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको 3° अमाइन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको हम लोग नाइट्राइल बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? नाइट्राइल बोलते हैं। इसी को साइनाइड भी बोलते हैं, इसी को हम लोग साइनाइड भी बोलते हैं बच्चों। इसी तरीके से एक होता है NC, जिसको आप लोग आइसो नाइट्राइल कह दीजिए बच्चों, नाइट्राइल कह दीजिए बच्चों, या फिर आइसो साइनाइड कह दीजिए, आइसो साइनाइड कह दीजिए बच्चों। इसी तरीके से एक होता है आपका ये नाइट्रो कंपाउंड होता है बच्चों, एक होता है आपका ONO होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्राइटो या नाइट्रीटो, कुछ भी कह दो बच्चों। एक होता है आपका NO कंपाउंड होते हैं बच्चों, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोसो। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग आगे बात करें तो हमारे पास में एक कंपाउंड और जिसमें इस चैप्टर में डिस्कशन किया जाता है, वो आपका है NH2CONH2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? यूरिया बोलते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जिसके बारे में पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें इस चैप्टर को बच्चों, हम लोग खास तौर से ये है कि 5 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे इस चैप्टर। कितने पार्ट पढ़ेंगे बच्चों? 5 पार्ट में पढ़ेंगे। 5 पार्ट कौन कौन से होंगे बता देता हूँ एक बार मैं आपको, वो 5 पार्ट कौन कौन से होंगे बता देता हूँ। इसके अंदर बच्चों क्या होगा, एक पढ़ेंगे हम लोग पार्ट ए, सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम लोग इसके अंदर पार्ट ए, और पार्ट ए के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आपके अमाइन को पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद में पार्ट ए के बाद में पढ़ेंगे बच्चों इसके अंदर हम लोग पार्ट बी पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डाई एजोनियम सॉल्ट। पहले बता चुका हूँ आपको सैंडमायर अभिक्रिया के अंदर, आपको याद होगा, और ऐसे याद नहीं तो मैं बताता हूँ, डाइजोनियम सॉल्ट होता है N2+X-। अमाइन आप जानते ही हो NH2 हो सकता है, NH हो सकता है, या केवल N हो सकता है, जानते हो आप लोग। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर पार्ट सी, इसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों हम लोग पार्ट सी, और पार्ट सी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसके अंदर साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद में पार्ट सी के बाद में इसके अंदर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पार्ट डी, पार्ट सी के बाद पढ़ेंगे बच्चों इसके अंदर हम लोग पार्ट डी, और पार्ट डी में हम लोग पढ़ेंगे यूरिया, क्या पढ़ेंगे बच्चों? यूरिया के बारे में पढ़ेंगे, NH2C(OH)NH2 के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट इसके बाद में है आपका पार्ट ई, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग नाइट्रो कंपाउंड, क्या पढ़ेंगे बच्चों? नाइट्रो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर खास तौर से हम लोग पढ़ेंगे NO2 नाइट्रोबेंजीन वगैरह के बारे में। तो यहाँ हमारे पास में इस चैप्टर के अंदर टोटल 5 पार्ट हैं, ठीक है, A, B, C, D और E, ठीक है बच्चों। तो अब शुरुआत करते हैं पार्ट ए से, जिसका नाम है अमाइन। एक बार इसको लिख लीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। चले बच्चों आगे, सबसे पहले आता है हमारे पास में पार्ट ए। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है बच्चों पार्ट ए, जिसको हम लोग बोलते हैं अमाइन। तो हमारे पास में आ गया पार्ट ए,
नाम है इसको, नाम है इसका अमाइन, पार्ट ए, नाम आ गया बच्चों इसका अमाइन। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में बात करें बच्चों सबसे पहले। ठीक है, परिचय में क्या पढ़ेंगे बच्चों? आप सब जानते हैं द कंपाउंड, द कंपाउंड विच कंटेन, द कंपाउंड विच कंटेन NH2, NH और N ग्रुप इज नॉन एज, इज नॉन एज अमाइन। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे वे यौगिक, वे यौगिक जिनमें NH2, NH, N समूह पाया जाता है, वे यौगिक जिसमें NH2, NH, N समूह पाया जाता है अमाइन कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें NH2, NH, N समूह पाया जाता है अमाइन कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है बच्चों, सेकंड पॉइंट आता है बच्चों इसके अंदर जनरल फार्मूला। क्या आता है बच्चों? सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास में जनरल फार्मूला। क्या आता है बच्चों? जनरल फार्मूला आता है जिसको आप लोग कहते हैं सामान्य सूत्र। और सामान्य सूत्र मैं बता दूं बच्चों, आपको बता दिया मैंने अमाइन एक तो होता है आपका CH3 NH2 जिसको आप लोग कहते हो 1 डिग्री अमाइन। एक सिंपल पहला सदस्य ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया CH3 NHCH3 जिसको आप लोग कह रहे हैं 2 डिग्री अमाइन। ठीक है बच्चों, उसके बाद में थर्ड आपने ले लिया CH3 NCH3 CH3 जिसको आप लोग कह रहे हो 3 डिग्री अमाइन। तो 3 अमाइन हो गए आपके, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन की बात करें बच्चों इसके अंदर, तो अगर इसको मिला के लिख दें तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा C2, एच कितना हो जाएगा 5, एन हो जाएगा क्या बच्चों? इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो कार्बन कितना C2 हो जाएगा क्या? एच कितना हो जाएगा भैया? 3 और 3 6 और 1 7 हो जाएगा क्या? C तो 1 है, सॉरी इसके अंदर 1 है बेटा, है ना। C2 H कितना 3 और 3 6 और 1 7 H 7 और N हो जाएगा क्या बच्चों? इसके अंदर मिला के लिखते हैं तो कार्बन 1 2 3 तो C3 हो जाएगा, H 3 3 6 3 9 हो जाएगा, H 9 N हो जाएगा क्या बच्चों? तो ये मेरे पास में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के पहले पहले सदस्य मैंने ले लिए। अब जनरल फार्मूला बनाना है तो आपको पता है अगर हम लोग इसकी बात करें तो 1 का डबल कितना होता है 2, तो 2 में कितने जोड़ूंगा जब 5 होंगे 3, तो फार्मूला हो गया CnH2n+3, बच्चा क्या नाइट्रोजन, नाम आ गया N। ठीक है बच्चों, इसकी बात कर रहा हूँ 2 का डबल कितना होता है 4, 2 का डबल कितना होता है 4 होता है, 4 में कितने जोड़ूंगा जब 7 होंगे, आप कहेंगे सर 3, फॉर्मूला होगा CnH2n+3N। इसकी मैं बात कर रहा हूँ 3 का दुगना कितना होता है 6, 6 में कितने जोड़ूंगा 3, तब कितना हो जाएंगे 9, CnH2n+3N। तो एक बात तो हमारे ये देखने में आपको साफ नज़र आ रहा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन का जनरल फार्मूला सेम होता है बच्चों। और मैं आपको बता चुका हूँ जिनके सामान्य सूत्र सेम होते हैं, जिनके जनरल फार्मूला समान होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, वो आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समावयवी, क्रियात्मक समावयवी। क्या कहलाते हैं बच्चों? क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। तो दीज आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी हैं बच्चों। तो अगर इसको गौर से अगर आप देखेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन एक दूसरे के कहलाते हैं, क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। लिख लो बच्चों एक बार, इसके बाद बच्चों जनरल फॉर्मूले के बाद में अगला टॉपिक हमारे पास में आता है, अगला टॉपिक आता है हमारे पास में क्लासिफिकेशन। क्या आता है बच्चों? क्लासिफिकेशन आ जाता है बच्चों। और क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर हम लोग वर्गीकरण की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं बच्चों, वर्गीकरण की बात करें हम लोग तो यहाँ पर मेरे पास में हो गया अमाइन,
ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरे पास में अमाइन। और अमाइन की तीन कैटेगरी होती हैं, आप सब जानते हैं, अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने। अमाइन की तीन कैटेगरी होती हैं, ठीक है बच्चों, कौन कौन सी हो गई। एक हो गया आपका 1 डिग्री अमाइन, जिसको आप लिखते हैं RNH2। एक होता है आपका 2 डिग्री अमाइन, ठीक है बच्चों, जिसको आप लिखते हैं RNHR। और एक होता है आपका 3 डिग्री अमाइन, जिसको आप लिखते हैं 3 डिग्री अमाइन, जिसको आप लिखते हैं RNR देन R। तो ये यूँ कह सकते हैं अमाइन का क्लासिफिकेशन तीन टाइप का हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसके अंदर बच्चों अगर मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के एग्जांपल्स की बात करूं बच्चों, तो देखो बच्चों यहाँ पर 1 डिग्री के एग्जांपल्स की बात करूं तो 1 डिग्री के एग्जांपल मेरे पास में हो गए CH3NH2। 2 डिग्री का एग्जाम्पल, 1 डिग्री का दूसरा एग्जाम्पल हो गया CH3CH2NH2। इसी तरीके से बच्चों 2 डिग्री का एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे पास में यहाँ पर हो गए CH3CH2NH CH3, या मेरे पास में एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पर CH3NH CH3, या मेरे पास में एग्जाम्पल हो सकता है CH3NH CH3NH CH2 CH3, या यूँ कह सकते हैं CH3। ये मेरे पास में 2 डिग्री अमाइन के एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों। और 3 डिग्री अमाइन की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा CH3NCH3CH3, या एग्जांपल हो सकता है CH3CH2NCH3, या ये हो सकता है CH2CH2CH3। तो ये आपका होगा 3 डिग्री अमाइन का एग्जांपल्स, ठीक है बच्चों। क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, पढ़ा रखा हूँ, पहले बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आगे चलेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन के बाद में। अगला टॉपिक जो हमारे पास में आता है वो आता है इसके बाद में बच्चों नोमेनक्लेचर। क्या आता है बच्चों? क्या आता है? नामकरण, ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक आता है इसके अंदर नामकरण आता है बच्चों, ठीक है। चलें इसके अंदर नामकरण, आपको पता है दो तरीके के नाम लिखेंगे इसके अंदर हम लोग। एक लिखेंगे बच्चों इसके अंदर, नामकरण के अंदर कॉमन नेम, और एक लिखेंगे इसके अंदर IUPAC नेम। तो बच्चों नामकरण की बात करें, नोमेनक्लेचर की बात करें, तो पहले लिख देते हैं हम लोग कॉमन नेम। कॉमन नेम लिख देते हैं बच्चों, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो सामान्य नाम, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हो आप लोग? सामान्य नाम बोलते हो। नोमेनक्लेचर में नंबर ए हो गया आपका सामान्य नाम। सामान्य नाम की बात करें बच्चों, सामान्य नाम होता है इसका एल्काइल अमाइन लिखते हैं बच्चों इसको। अब इसकी बात करें, यहाँ लिख दिया मैंने आपका CH3CH2NH2, नाम हो जाएगा इसका दो कार्बन है तो एथिल अमीन, नाम हो जाएगा एथिल अमीन, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से लिख दिया मैंने CH3NH2, नाम हो जाएगा मेथिल अमीन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? मेथिल अमीन। इसी तरीके से आगे चलें बच्चों हम लोग, यहाँ मैंने लिख दिया CH3NH CH3, दोनों एक जैसे, नाम हो जाएगा डाई मिथाइल अमीन, ठीक है बच्चों। यहाँ लिख दिया मैंने CH3CH2NH CH3, नाम हो जाएगा इथाइल, नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल अमाइन, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3NCH3CH3, नाम हो जाएगा इसके अंदर ट्राई मिथाइल अमाइन। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग अमीन का कॉमन नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं IUPAC की बात करूं तो नंबर बी हो गया मेरे पास में बच्चों, नंबर बी हो गया इसका IUPAC नाम। नंबर सेकंड हो गया इसके अंदर, नंबर सेकंड हो गया IUPAC नाम। IUPAC नेमिंग की बात करें बच्चों तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1 डिग्री अमाइन की, फिर उसके बाद बात कर सकते हैं हम लोग 2 डिग्री अमाइन की, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में हम लोग वहाँ बात कर सकते हैं
थ्री डिग्री अमाइन की। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई। ये तीनों टाइप के अमाइन का नाम कैसे लिखते हैं वो ध्यान रख लेंगे बच्चों। ठीक है, इसको लिखते हैं, वन डिग्री अमाइन को लिखते हैं हम लोग एल्केनामीन, एल्केनामीन इसका नाम लिखते हैं बच्चों एल्केनामीन। इसको लिखते हैं एन एल्काइल एल्केनामीन, एल्केनामीन। और इसको लिखते हैं हम लोग एन एल्काइल एल्केनामीन। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों, टू डिग्री में एक बार एन आता है, थ्री डिग्री में दो बार एन आता है। एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बच्चों। यहाँ लिख दिया मैंने CH3, CH2, NH2, यहाँ लिख दिया मैंने CH3, NH2, यहाँ लिख दिया मैंने CH3, CH, NH2, CH3। इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ मैंने लिख दिया CH3, NH, CH2, CH3, या मैंने यह लिख दिया CH3, NH, CH, CH3, CH3, या मैंने यहाँ लिख दिया, मान लीजिए बच्चों CH3, NH, CH3, या मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों CH3, CH2, NH, CH2, CH3। ये कुछ एग्जांपल लिख दिए, थ्री डिग्री अमाइन का एग्जांपल मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पर CH3, CH2, CH3, CH2, CH3। या दूसरा एग्जांपल लिख दिया मैंने CH3, CH3, CH3। या मैंने एग्जांपल लिख दिया C2H5, C2H5, C2H5। या मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों CH3, यहाँ लिख दिया मैंने C2H5, और यहाँ लिख दिया मैंने CH2, CH2, CH3। तो ये कुछ एग्जांपल लिखे जिनका आईयूपीएसी नाम की मैं बात करता हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ। इसका नाम होता है एल्केनामीन। एल्केन मतलब होगा दो कार्बन, होगा मतलब एथेन हो गया, क्या दो कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग एथेन। नाम हो गया इसका एथेन अमीन। क्या नाम हो गया बच्चों इसका? एथेन अमीन। एक कार्बन को मैथेन बोलते हैं, अमीन जोड़ देंगे, नाम हो गया इसका मैथेन अमीन। क्या नाम हो गया बच्चों इसका? नाम हो जाएगा मैथेन अमीन। इसकी बात करें 1, 2, 3 तो नाम हो जाएगा 2, तीन कार्बन है तो क्या हो जाएगा बच्चों? नाम हो जाएगा प्रोपेनामीन। इनको प्रोपेन बोलते हैं तो नाम हो जाएगा प्रोपेनामीन। दो पर है तो 2 प्रोपेनामीन हो जाएगा। यहाँ एन एल्काइल एल्केनामीन है। इसका तरीका क्या होता है बच्चों टू डिग्री अमीन का, कि आप दोनों तरफ कार्बन नजर आ रहे हैं, आपको छोटे ग्रुप को चूज कर लो। इधर दो कार्बन है, इधर एक कार्बन है, तो छोटे ग्रुप को आप गोला लगा लो। जो छोटा ग्रुप होता है उसको एन एल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं, नाम हो जाएगा ये एन मिथाइल। जो बचता है उसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं, दो कार्बन, नाम हो जाएगा एथेनामीन। तो जो बड़ा टुकड़ा होगा, बड़ा वाला जो पीस होगा, बड़ा वाला जो पार्ट होगा उसको 1 डिग्री की तरह लिखेंगे, और जो छोटा वाला टुकड़ा होगा उसको एन एल्काइल के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ आपको पता है एक कार्बन, इधर तीन कार्बन है। ठीक है बच्चों, तो इसको लिखेंगे, यह हो जाएगा आपका एन मिथाइल, एन मिथाइल। ठीक है बच्चों, अब इधर देखेंगे आप गौर से तो क्या है बच्चों, ये नाम हो जाएगा इसका है प्रोपेनामीन। क्या नाम है बच्चों इसका? प्रोपेनामीन। लेकिन खास बात ये, जब आपको एल बनता हुआ नजर आ जाए, एल टाइप स्ट्रक्चर, तो काउंटिंग लिखना मत भूलना। काउंटिंग है तो इस कोने से करना है, इस कोने से करना है। काउंटिंग उधर से करना, जैसे से ये पास पड़े तो 1, 2 पर आ रहा है, 1, 2 पर आ रहा है, किधर से भी कर लो आपने कहा 1, 2, 3 तो 2 पर आ रहा है पूरा। तो ये हो जाएगा आपका 2N-methyl-propenamine। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, दोनों ग्रुप एक जैसे, छोटा कोई सा भी ले लो आपने, ले लिया, नाम होगा N-methyl के बजाय बच्चों हो जाएगा आपका मेथेनामीन। नाम हो जाएगा एन मिथाइल मेथेनामीन। इधर इसकी बात करें, दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन है, छोटा ग्रुप ये मान लो, नाम हो जाएगा एन इथाइल, दो कार्बन है तो एथेनामीन। इसकी बात हो गई। ठीक है बच्चों, अब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग एन एल्काइल की बात करें, तो इधर आपको पता है इसमें दो छोटे ग्रुप आपको चूज करने हैं, इधर एक कार्बन, इधर दो कार्बन, इधर दो, कोई भी दो छोटे ग्रुप, एक तो छोटा ग्रुप ही हो गया, एक छोटा ग्रुप आप दोनों में से ये ले लो। तो आपको गौर से नजर पड़े, सर ये भी कोई भी ले सकते हो, ये इथाइल है या मिथाइल है, तो पहले यह आएगा आपका, यह आ जाएगा एन इथाइल, यह आ जाएगा एन मिथाइल, बचा गया ये वाला, इसको एल्केनामीन 1 डिग्री के फॉर्म में लिख देंगे, दो कार्बन, नाम हो जाएगा आपका एथेनामीन। क्या नाम हो जाएगा? एथेनामीन। इसकी बात कर रहे हैं,
दो छोटे ग्रुप चूज कर ले, दोनों एक जैसे हैं, साथ में आ जाएगा एन एन डाई मिथाइल, एक कार्बन बचा, एक को मैथेन बोलते हैं, नाम हो जाएगा मेथेनामीन, नाम हो गया आपका एन एन डाई मिथाइल मेथेनामीन। ठीक है बच्चों, इसके बाद करें तीनों एक जैसे हैं, दो ग्रुप चूज कर लिए, नाम हो जाएगा इसका एन एन डाई इथाइल एथेनामीन, एन एन डाई इथाइल एथेनामीन। इसके अंदर बात करें इधर एक कार्बन, इधर दो कार्बन, इधर तीन कार्बन, छोटे ग्रुप चूज कर लिए, ये हो जाएगा आपका एन इथाइल, ये हो जाएगा एन मिथाइल, तीन कार्बन है तो प्रोपेन अमीन, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन अमीन। तो इस तरीके से बच्चों इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये था आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन का कॉमन नेम तो कैसे लिखते हैं और आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। बात समझ आ गई, लिख लो इसको फटाफट से, लिख लो जो चाहो तो स्क्रीनशॉट लिख लो, ले लो फिर बाद में लिख लेना। इसके बाद अगली जो चीज आती है प्यारे बच्चों वो आती है हमारे पास में आइसोमेरिज्म। क्या आता है? आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं समावयवता। और समावयवता की बात करें तो इसमें पहला आ जाता है आपका चेन श्रृंखला समावयवता। और श्रृंखला समावयवता की बात करें सब जानते हैं, ठीक है, सब जानते हैं श्रृंखला समावयवता के एग्जाम्पल। लो चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। कितने कार्बन है? 3। कितने कार्बन है? ये भी 3 हो गए अब तो इसमें। चलो ठीक है, चेन के बाद में दूसरा क्या आता है? पोजीशन स्थिति समावय भी। ये दोनों एग्जांपल आप हम कर जाएंगे, स्थिति इसमें स्थिति नंबर 1 पे, इस पे 2 पर है, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, नहीं समझ आ रहा है आपको? इसको वैसे भी कह सकते हो आप लोग CH3 CH2 CH2 NH2, 1 पर है पोजीशन, नाइट्रोजन 1 कार्बन पे है, या CH3 CH NH2 CH3, ये 2 पर है, तो ये पोजिशनल के लाए, दोनों काम की नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला जो देखें वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म इज द इम्पोर्टेंट एग्जांपल फॉर अमाइंस। तो नंबर सी हो गया आपका इसके अंदर, नंबर सी हो गया आपका इसके अंदर मेटामेरिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यावयवता। और ये बता चुका हूँ आपको, शिफ्टिंग ऑफ कार्बन इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो यहाँ लिख दिया मैंने CH3 CH2 NH CH2 CH3। अब इसको मैं ऐसे लिख दूँ CH3 NH CH CH3 CH3, यह ऐसे लिख दूँ CH3 CH3 NH CH2 CH2 CH3, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? आपका मध्यावयवता, शिफ्टिंग ऑफ कार्बन हो गए ना, इधर 2 कार्बन थे, इधर 2 कार्बन, 1 कार्बन इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। इसके अलावा तीसरा मैं आपको बता दूं जो आप जानते भी हैं, और तीसरी जो सॉरी चौथी जो आइसोमेरिज्म इसके अंदर वो आ जाएगी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बता चुका हूँ आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जिसको आप लोग बोलते हैं क्रियात्मक समावयवता। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समावयवता। क्या बोलते हैं बच्चों? समावयवता, क्रियात्मक समावयवता की अगर बात करें बच्चों हम लोग, तो आपको पता है जो 1 डिग्री अमाइन होता है, जो 1 डिग्री अमाइन होता है ये कन्वर्ट हो सकता है 2 डिग्री अमाइन के अंदर, ठीक है बच्चों, और ये कन्वर्ट हो सकता है 3 डिग्री अमाइन के अंदर, और 3 डिग्री अमाइन कन्वर्ट हो सकता है 2 डिग्री में, और 2 डिग्री 1 डिग्री में। मैं बता चुका हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री आपस में क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। तो ये था आपका आइसोमेरिज्म इन
अमाइंस, अमाइन के अंदर समावयवता लिख लो इसको फटाफट से। लिखिए चलें बच्चों आगे। इसके बाद में अगला टॉपिक जो आता है हमारे पास में बच्चों, वो आता है प्रिपरेशन मेथड ऑफ अ माइंड। क्या आता है बच्चों? अगला टॉपिक आता है हमारे पास में प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन, एमिनो के बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन और बनाने की विधियों की बात करें तो इसमें सबसे नंबर वन आ जाएगा आपका एल्किल हैलाइडों के, एल्किल हैलाइडों के, एल्किल हैलाइडों के अमोनी अपघटन से, एल्किल हैलाइडों के अमोनी अपघटन से अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन से। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करें, ये एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन करा दिया आपने NH3 के साथ में, क्या होगा? माइनस HX बाहर, बन जाएगा RNH2। ठीक है बच्चों, फर्दर रिएक्शन करा दी इसकी RX के साथ में, तो माइनस HX बाहर, बन जाएगा RNHR। उसके बाद फर्दर रिएक्शन करा दी RX के साथ में, माइनस HX बाहर, बन जाएगा RNR देन R। ये आपका हो गया आपका 1 डिग्री अमाइन। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री अमाइन। तो तीनों अमाइन बना सकते हैं इस विधि से। ठीक है, अगर इसके अंदर कॉमन एग्जांपल लेके करना चाहें तो वो हो सकता है आपका, आपने लिखा है यहाँ पर CH3 CH3 Cl, रिएक्शन करा दी NH3 के साथ में, बन जाएगा आपका CH3 NH2। ठीक है बच्चों, वापस रिएक्शन कर दिया आपने CH3 Cl के साथ में, बन जाएगा यहाँ पर आपका CH3 NH CH3। उसके बाद में फर्दर रिएक्शन करा दिया आपने CH3 Cl के साथ में, बन जाएगा CH3 C CH3 NCH3। अगर आप चाहते हैं कि फर्दर रिएक्शन करा दें आप इसकी CH3 Cl के साथ में, तो बन जाता है ये CH3 का होल 4 N+ Cl-, ये कहलाता है आपका क्वार्टरनरी सॉल्ट ऑफ अमोनिया, सॉल्ट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का चतुष्कलवण, अमोनिया, अमोनिया का चतुष्क लवण। तो देखो बच्चों, अगले फोर्थ वाले स्टेज में यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ से ये HCl निकल जाएगा, यहाँ से ये HCl निकल जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा। अगले स्टेज में नाइट्रोजन में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो HCl निकल नहीं सकता, तो 4 3 3 CH3 तो ये रहा, 1 CH3 रहा, तो 4 CH3 हो जाते हैं। तो ये रहता है आपका क्वार्टरनरी सॉल्ट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का चतुष्क लवण हमारे पास में बन जाता है। तो ये कहलाता है एल्किल हैलाइड का अमोनी अपघटन से। और ये कैसी विधि है जिससे हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन बना सकते हैं। लिख लो इसको एक बार, अपन आगे चलते हैं फिर बच्चों। अगला देखिए, इसके बाद बच्चों सेकेंड हमारे पास में आता है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक
अम्लों से, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल से मैंने आपको पिछले चैप्टर में रिएक्शन बताई थी, स्मिट रिएक्शन बताई थी आपको बताएं, और उसमें क्या किया था मैंने कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब CH3COOH की अभिक्रिया कराई थी N3H के साथ में, ठीक है बच्चों, नाम था मेरे पास में इसका हाइड्रोजोइक एसिड अभिक्रिया का, इसका नाम बताया था मैंने स्मिट अभिक्रिया, क्या बताया था बच्चों, स्मिट अभिक्रिया बताया था, स्मिट रिएक्शन नाम बताया था, यहाँ से ये CO2 बाहर हो जाता है, यहाँ से N2 बाहर हो जाता है, मतलब CO2 बाहर मतलब N2 बाहर, तो यह हाइड्रोजन मिलकर बन जाता है यहाँ पर CH3NH2, लिख लीजिए इसके अंदर, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करवाई जाती है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाई जाती है तो प्राथमिक अमीन का निर्माण होता है, यह अभिक्रिया विकार्बोक्सलीकरण भी कहलाती है। समझ आ गया आप बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड देन द फॉर्म प्राइमरी अमाइन्स दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। थर्ड क्या बात करें हम लोग, नाइट्राइलों के अपचयन से, आप जानते हैं बच्चों फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल करा देते हैं, जानते हैं सब लोग, ठीक है बच्चों, नाइट्राइल आइसोनाइट दोनों करा सकते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने CH3CN और रिएक्शन करा दिया आपने इसकी LiAlH4 के साथ में, बन जाएगा CH3CH2NH2, दो हाइड्रोजन यहाँ चार हाइड्रोजन काम में आ जाएंगे, ये आपका 1° अमाइन बन जाता है। और इस अभिक्रिया को पूछा गया एग्जाम में, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग मेंडियस रिएक्शन, क्या बोलते हैं भैया इसे, हम लोग बोलते हैं मेंडियस अभिक्रिया, क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं मेंडियस अभिक्रिया। इसी तरीके से अगर यही रिएक्शन करा दिया जाए आइसोसाइनाइड के साथ में, CH3NC के साथ में, LiAlH4 के साथ में, तो बन जाता है आपका 2° अमाइन CH3NH3 बन जाता है। समझ आता है बच्चों। उसके बाद में फोर्थ आता है आपके पास में नाइट्राइल के बाद में, अगला पॉइंट आता है इसके अंदर हमारे पास में, ये लिख लो, दो तीसरा लिख लो,
देखिए बच्चों, ये आपके एक्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन है, कल करा चुका था। बता दूं मैं आपको कि इसके अंदर क्या होता है, जब थैलेमाइड का अभिक्रिया कराते हैं तो पहले थैलेमाइड बनता है, कि केओएच के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो H2 निकलने के बाद में क्या बचता है बच्चों, इसका सोडियम का सॉल्ट बन जाता है। बाद में RH से रिएक्शन कराते हैं तो RnH2 बन जाता है। खास बात यह इस अभिक्रिया की कि इस अभिक्रिया द्वारा केवल और केवल आपके 1 डिग्री अमाइन, प्राथमिक 1 डिग्री अमाइन या एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन ही बनाया जा सकता है। इस विधि द्वारा लिख लेंगे इसके अंदर, इस विधि द्वारा केवल एलिफेटिक प्राथमिक एमीन ही बनाए जा सकते हैं, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन ही बनाए जा सकते हैं। इस विधि द्वारा केवल एलिफेटिक प्राथमिक अमाइन ही बनाए जा सकते हैं। इस विधि द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक अमाइन नहीं बनाए जा सकते। आगे लिखेंगे, इस विधि द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक अमाइन नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि इस अभिक्रिया में बनने वाला थैलेमाइड आयन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, लिख लीजिए बच्चों, दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी फॉर्म बाय दिस मेथड बिकॉज इन दिस रिएक्शन थैलेमाइड आयन डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों एग्जाम में कि क्या कारण है, या यूँ कह सकते हैं कि ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा कौन से अमाइन नहीं बनाए जा सकते और क्यों। तो आंसर इससे हमारे पास में हमें बनाए नहीं जा सकते एरोमेटिक अमाइन, मतलब एनिलीन नहीं बना सकते एरोमेटिक अमाइन से नहीं बनाए जा सकते। कारण क्या है बच्चों, की जो थैलेमाइड आयन है हमारे पास में जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। पास में जाके बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन याद रखना है आपको। तो ये था हमारे पास में चैप्टर अमाइन, और अमाइन वाले चैप्टर के अंदर अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अभी हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि भैया इंट्रोडक्शन में अमाइन होता क्या है, ये पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद में मैंने आपको बताया अमाइन के अंदर इसका जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र कैसे निकालते हैं, और सामान्य सूत्र में बात क्लियर हो जाती है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन एक दूसरे क्या है, क्रियात्मक समावयवी हैं। उसके बाद में वर्गीकरण पढ़ा, वर्गीकरण के बाद में फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा नॉमनक्लेचर, नामकरण, जिसमें कॉमन नेम और आईयूपीएसी नाम पढ़े। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन का आईयूपीएसी नाम में मैंने बताया, उसमें एक बार इन आएगा, इसमें 2 बार इन आएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम लोगों ने पढ़ा वो ये था, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा बच्चों वो ये था इसके अंदर कि हम लोगों ने इसमें आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ा, हम लोगों ने, और उसके अंदर बताया संकरण समावयवता। ठीक है, उसके बाद बताया मैंने आपको स्थिति समावयवता, फिर बताया मध्यवयवता, और उसके बाद बताया मैंने आपको मध्यवयवता के बाद में क्या बताया मैंने आपको क्रियात्मक समावयवता। उसके बाद बच्चों मैंने बताया आपको प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधियाँ, और बनाने की विधियों के अंदर बच्चों हम लोगों ने 2-3 मेथड ये भी पढ़े हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक हमसे हम लोगों ने बना लिया, नाइट्रल यौगिक को अपचयन से बना दिया, इसका नाम मेंडेस अभिक्रिया है, और उसके अंदर बताया मैंने आपको ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया, एक अमोनिया क्या कहते हैं एल्किनलाइडों का अमोनिया अपघटन से। 4 मेथड हो गए बच्चों, इसके बाद में अगला मेथड हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास रेगुलर लेते रहिए, धन्यवाद।